कौन विपक्ष? राजद वाले को भी बोलने का अधिकार है क्या? अरे राजद का प्रतीक ही क्या है? भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, 24 घंटे में गिरफ्तारी होती है, यह है नीतीश कुमार जी का राज। बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं और अपराधियों का मनोबल सातवें आसमान पर पहुंच गया है। यही कारण है कि अपराधी एक के बाद एक क्राइम की वारदात को बेखौफ अंजाम देकर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। 15 जुलाई की देर रात दरभंगा में अपराधियों ने बिहार के पूर्व मंत्री व विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पिता 70 वर्षीय जीतन सहनी की चाकू से गोद कर निर्मम हत्या कर दी। इस घटना के बाद बिहार में सियासत फिर से एक बार तेज हो गई है। विपक्ष लगातार बिहार की डबल इंजन की सरकार पर हमलावर है। बिहार में बढ़ रहे अपराध को लेकर आरजेडी भी एनडीए सरकार पर लगातार हमला बोल रही है, जिसे लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पूछा कि राजद वालों को बोलने का अधिकार है क्या, और उन्होंने क्या कुछ पूछा है वो भी सुनिए। कौन विपक्ष? राजद वाले को भी बोलने का अधिकार है क्या? अरे राजद का प्रतीक ही क्या है? भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, उनको बोलने का कोई नैतिक अधिकार है? और देखिए अपराध होते हैं और 24 घंटे में कार्रवाई होती है, 24 घंटे में गिरफ्तारी होती है, यह है नीतीश कुमार जी का राज। कल से अलग कर दिया है। सुना आपने कि उन्होंने कहा कि आरजेडी भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का प्रतीक है, उनको बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। सम्राट चौधरी ने आगे कहा कि देखिए अपराध होता है, लेकिन नीतीश राज में अपराध के 24 घंटे के भीतर अपराधी पकड़े जाते हैं। वहीं बता दें कि बिहार में बढ़ते अपराध पर आरजेडी ने सवाल उठाया तो सम्राट ने ये तमाम बातें कही है। राजद वालों को बोलने का अधिकार है क्या, ये सवाल भी पूछा है। दरअसल बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर इन दिनों विपक्ष जोरदार तरीके से हमलावर है, और विपक्ष के सवाल पर सम्राट चौधरी ने ये जवाब दिया है। जहां पर बात करें विजय सिन्हा की, तो उन्होंने भी इसी तरीके का बयान दिया था कि विपक्ष को बोलने का अधिकार नहीं है। नित्यानंद राय ने भी इसी तरह की बात कही थी, और अब सम्राट चौधरी ने भी सवाल दाग दिया है कि क्या सच में विपक्ष को बोलने का अधिकार है क्या। दरअसल बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं, ये बातें भी विपक्ष कह रही है, और साथ ही ये भी कहना है कि अपराधियों का मनोबल अब सातवें आसमान पर पहुंच गया है। यही कारण है कि अपराधी एक के बाद एक क्राइम की वारदात को बेखौफ होकर अंजाम दे रहे और पुलिस को चुनौती भी दे रहे हैं। 15 जुलाई की देर रात दरभंगा में अपराधियों ने बिहार के पूर्व मंत्री यानी कि विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पिता की हत्या की थी, जिसके बाद से बिहार में सियासत तेज हो गई है और विपक्ष लगातार बिहार की डबल इंजन की सरकार पर हमलावर बनी है, और बिहार में बढ़ रहे अपराध को लेकर आरजेडी भी एनडीए सरकार पर हमलावर बनी हुई है।